बजाज के स्कूटर जैसी जिंदगी लगती है लेकिन मैं शुरुआत कर रहा था कि कल मेरी जिंदगी का वास्तव में एक बहुत खूबसूरत एक बहुत खास दिन था खास दिन इसलिए था क्योंकि कल मैंने डीडी न्यूज में भारत का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसमें 20 साल पूरे किए 20 साल एक लंबा अरसा होता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई इन सालों में और मैं वहीं कई बार लगता है कि ठहरा हुआ हूं लेकिन नहीं ठहरा हुआ नहीं गतिमान हूं लेकिन आज भी वहीं पर हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी हालांकि जर्नलिज्म की शुरुआत मेरी तीस साल की है मुझे तीस साल जर्नलिज्म में हुआ लेकिन मैं सोच रहा था कि इस बीस सालों को कैसे देखूँ तो मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि भाई इन बीस सालों का आकलन करना चाहिए मुझे क्या लेकिन मुझे फिर ध्यान आया कि नहीं मैंने क्या किया या मैं सफल रहा असफल रहा ये इसका आकलन इतिहास करेगा वक्त करेगा जाहिर सी बात है कि इन बीस सालों बहुत कुछ पाया बहुत कुछ खोया इन 20 सालों में मैंने देश के तीन प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए देश के तीन प्रधानमंत्रियों के उनके साथ उनके अहम जो असाइनमेंट थे उनकी रिपोर्टिंग करी मैंने प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरे किए अगर यह सफलता है तो ठीक है मैं सफल हूँ बहुत सारे अवार्ड मिले बहुत सारे पत्रकारिता के सम्मान मिले अगर यह सफलता है तो ठीक है मैं सफल हूँ लेकिन अगर सफलता के मायने कुछ और हैं तो शायद मैं उस हिसाब से सफल नहीं भी हूं लेकिन मैंने कहा कि सफलता और असफलता का मैं पूरा जो मेरा आकलन है वो मैं समय पर छोड़ देता हूं। पर एक बात ज़रूर है कल जब मुझे 20 साल हुए तो मैंने ट्वीट किया मुझे किसी ने याद दिलाया कि आज आपको 20 साल हो गए तो मैंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जिस तरह के रिएक्शन्स आए वो अद्भुत थे जिस तरह से लोगों ने लिखा वो अद्भुत था और मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है एक प्रकाश माहेश्वरी करके इंदौर के एक लेखक हैं बुजुर्ग लेखक हैं उन्होंने लिखा कि मुझे आपकी पत्रकारिता देखकर महावीर प्रसाद जी की याद आ गई मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता था लोगों ने लिखा लोगों ने लिखा कि हम आपको 20 साल से देख रहे हैं और आपके कारण कई लोगों ने यह लिखा अब आपके कारण हम दूरदर्शन से एक बार फिर जुड़ गए मुझे अच्छा लगा मुझे लगा चलिए इस बीस सालों में मैंने कुछ तो किया और मैं मानता हूं कि मैंने जो प्यार और जो इज्जत कमाई वही मेरी कमाई है लेकिन कई बार पीछे मुड़ के देखता हूं कि क्या यह रास्ता इतना आसान था नहीं यह रास्ता बहुत मुश्किल था मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्मा मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया और उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी जो हैं वो परिवार में सबसे बड़े थे मैं मूलतः काशी का रहने वाला हूँ बनारस मेरा मूल है मेरे माताजी पिताजी बनारस के हैं तो मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में निकल गए थे मुंबई फिर उसके बाद दिल्ली उन्होंने बहुत संघर्ष किया तो मैं भी जब मैं आ, अगर मैं आपको सिर्फ एक पैमाना बताऊं संघर्ष का तो आप ये ध्यान कर सकते हैं जब मैं कॉलेज में था तो मेरी पॉकेट मेरी बीस रुपए थी और उस समय एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पाँच रुपये में आती थी यानी अगर आपने चार कोल्ड ड्रिंक पी ली तो आपकी जेब एकदम खाली तो इस तरह की जिंदगी थी बहुत मुश्किल से संघर्ष से और दूसरी बात ये थी पता नहीं मुझे लगता है कि मैं क्या कारण था लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था बिल्कुल बैक बेंचर था पीछे बैठा रहता था और ज़िंदगी में जब मैं छोटा था तो एक काम बहुत अच्छा करता था मैं जूते पॉलिश बहुत अच्छा करता था और मेरी माँ कहती थी ये बड़ा होकर बूट पॉलिश करने वाला बनेगा और कुछ कर नहीं सकता लोगों को मेरी क्षमताओं पर अक्सर संदेह होता था मुझे नहीं मालूम कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा तो इसका श्रेय मैं किसे दूँ लेकिन मुझे लगता है उसका एक श्रेय मैं दे सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में जो चीज़ मिसिंग है और जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं यहां तक पहुंचा वो है कंसिस्टेंसी जिंदगी में आपको निरंतर काम करना बड़ा जरूरी है निरंतर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करना बहुत जरूरी है मैंने कहा 20 साल में ऐसे बहुत दौर आए जब ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि मैंने 1990 में जब पत्रकारिता शुरू की थी मैं उस वक्त टेलीविजन जब हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी टेलीविजन न्यूज चैनल की मैं एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचा लेकिन उसके बाद सडनली एक गलत फैसला लिया और उस गलत फैसले के कारण मैं एकदम से धरती पर आ गया मुझे याद है वो भी दौर था मेरी जिंदगी का जब मेरे पास गाड़ी थी लेकिन मेरे पास कार में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी मैंने अपना काम शुरू किया प्रोडक्शन हाउस शुरू किया मेरे पास स्टाफ था लेकिन मेरे पास स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं थी एक दिन वो सब कुछ बंद करना पड़ा और पता नहीं कैसे मैं एक दिन डीडी में आ गया मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं दूरदर्शन न्यूज़ में डीडी न्यूज़ में काम करूंगा लेकिन अचानक परिस्थितियां मुझे यहां ले आई तो मुझे लगता है कई बार ईश्वर भी आपको रास्ता दिखाता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है तो आप अपना रास्ता छोड़ करके कहीं और आ जाते हैं और मैं डी न्यूज़ में आ गया यहां मैंने बहुत कुछ हासिल किया बहुत कुछ कमाया बहुत कुछ गवाया बहुत मुश्किल दिन देखे बड़े मुश्किल दौर देखा लेकिन कुल मिलाकर आज ये लगता है कि जो किया कुछ तो हासिल किया जैसे मैंने कहा कल मैंने ट्वीट किया तो लोगों ने मुझे एहसास कराया मैंने मैं ये दावा नहीं करता लेकिन मैं यह फिर भी कहता हूं कि पिछले कुछ सालों में दूरदर्शन न्यूज को बदलने के लिए हमने हमारी टीम ने जो काम किया उसने दूरदर्शन की दूरदर्शन की पूरी छवि और दूरदर्शन का बहुत कुछ बदल कर रख दिया क्या आप जानते हैं कि ये कहा जाता है बार बार अक्सर हम सुनते हैं ये कहा जाता है कि इस सरकार में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं ये कहा जाता है भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है पत्रकारों को पत्रकारिता करने की आज़ादी नहीं लेकिन क्या आप जानते हैं दो से पहले मैं बहुत गौर से कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा 2014 से पहले डीडी न्यूज जो सरकार का यानी सरकार का तो जो है, उस पे ऐसा कोई मंच नहीं पब्लिक ब्रॉडकास्टर मानना चाहिए आकर अपनी बात रख सकता था कोई मंच नहीं था कोई डिबेट नहीं होती थी लेकिन 2015 में मैंने दो टूक नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया और उस वक्त मैं मुझे याद है अरुण जेटली जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज वो हमारे बीच नहीं है मैंने उनसे कहा मैंने कहा ये कैसा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जहां विपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है विपक्ष को आना चाहिए सत्ता पक्ष को आना चाहिए एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए उन्होंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए और उसके बाद मैंने दो टूक नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और आपको मैं बता रहा हूं कि मैं आज दूसरी बार बता रहा हूं इस मेरे दो टूक प्रोग्राम में हम हर किसी को मौका देता है विपक्ष को सरकार के पक्ष को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते हैं और आप यकीन करेंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ आप अगर मेरा प्रोग्राम कभी किसी ने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या देश के तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं उनके लिए उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगा कर नहीं जाते लेकिन इन छह सालों में सात सालों में मेरे पास एक व्यक्ति ने मुझे यह नहीं कहा सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि आपके प्रोग्राम में यह गया यह नहीं जाना चाहिए था यह अभिव्यक्ति की आजादी आज देश में है यह देश में है मैं नेरेटिव की बात नहीं करता इस तरह से हम लगातार डीडी न्यूज़ को दूरदर्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज जो कुछ हो रहा है आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कल याद कर रहे हैं कि भाई डीडी न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं डीडी न्यूज़ में जो है लोग लोग आजकल टेलीविज़न को लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि टेलीविज़न में क्या हो रहा है किस तरह की डिबेट हो रही हैं बहुत बार उन डिबेट को देख लोगों को बहुत ख़राब भी लगता है तो मुझे लगता है मैं हमेशा कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास आज चार न्यूज़ चैनल आ रहे हैं चार सौ न्यूज चैनल आ रहे हैं मैं हमेशा कहता हूं जो आप टेलीविजन पर देख रहे हो जिसकी शिकायत कर रहे हैं उसके पीछे कहीं आप तो नहीं हैं हैं क्योंकि 400 चैनल आपके टेलीविजन सेट पर आ रहे हैं और उस टेलीविजन सेट का रिमोट किसके पास है उस टेलीविजन सेट का रिमोट आपके पास है जो आप देख रहे हैं वो टीआरपी भी दिखाता है और जो टीआरपी दिखाता है वो चैनल वाले दिखाते हैं तो सवाल है कि उस टीआरपी के लिए उस चैनल की अगर 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 हम आज ये शिकायत करते हैं कि टेलीविजन चैनलों पर बहस का सर गिर गया तो उसके लिए टीवी चैनल वाले या हम लोग जितने जिम्मेदार होते जिम्मेदार आप भी हैं क्योंकि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है आप क्यों नहीं रिमोट कंट्रोल बदलते मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कुछ साल पहले अगर आप देखते होंगे तो टेलीविजन पर एक शो आते थे क्राइम शो चैन से सोना है तो जाग जाओ और वो इतने खतरनाक शो होते थे कई बार मुझे लगता था मैं अगर मैंने तीन चार बार दिन वो शो देख लिया तो मुझे लगता था कि अगर आज मैं अगर रात को घर जाऊंगा और अगर मेरे पिताजी ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो मुझे लगेगा कोई मुझे चाकू मारने के लिए आ गया ऐसे भयानक प्रोग्राम होते थे वो क्राइम को किस तरह से उसमें ग्लोरीफाई किया जाता था और उस वक्त देश के कई बड़े चैनल्स ने यह तय कर लिया था क्योंकि उनको टीआरपी मिलती थी देश के कई बड़े चैनल्स ने तय कर लिया था कि वो क्राइम के ऊपर 24 घंटे का शो लेकर आएंगे लेकिन आपकी ताकत थी आपने क्राइम शो देखने बंद किए और सौभाग्य से हमारे देश में आज 24 घंटे का कोई क्राइम चैनल नहीं है क्योंकि आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल से उनकी बत्ती बंद कर दी तो रिमोट कंट्रोल आपके पास है सर आप देखिए क्या देखते हैं क्या नहीं देखते आप अपनी पसंद के हिसाब से चैनल्स को मजबूर करते हैं कि वो क्या दिखाएं तो इस बात को जरूर सोचिएगा और मैं एक बात और कहूँगा मैंने कहा देखिए सफलता असफलता की बात होती है मैंने उसका आकलन नहीं करूँगा लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सफलता असफलता जो है हम हमारे हमें हम हमें सब कुछ देखना पड़ता है किसी भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में सफलता के पल आए होंगे असफलता के शरण आए होंगे सफलता में कभी भी बहुत उछलना नहीं चाहिए और असफलता में कभी भी गड्ढे में नहीं घुस जाना चाहिए आपके पैर जमीन पर रहे यह बड़ा जरूरी है एक संतुलन रहे ये बड़ा जरूरी है लाइफ में आपको मालूम है मैंने जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि कई बार मुझे हैरानी होती है मैं कश्मीर गया था रिपोर्टिंग करने साल 2004 की बात है मेरे कमरे के अंदर रात को टेररिस्ट आए और वो किसी को ढूंढ रहे थे मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी क्योंकि मैं पत्रकार था मुझे मालूम था और उस समय 2004 की बात कर रहा हूं जब कश्मीर में मोबाइल फोन नहीं होते थे और होटल्स भी इस तरह से होते थे वहां मालूम नहीं होता था कि कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है वो दौर देखा 2011 में मैं किडनैप हुआ मुझे तीन हथियारबंद लोगों ने 25 दिसंबर दुनिया क्रिसमस मना रही थी 25 दिसंबर को मुझे किडनैप किया तीन हथियारबंद लोगों ने एक पिस्टल मेरे यहां लगी थी एक पिस्टल यहां लगी थी और जो तीसरा जो उनका गैंग लीडर था उसने वो गाड़ी चला रहा था वो मेरी गाड़ी पर आ गया उसने गाड़ी को कंट्रोल किया वो मुझे छः घंटे तक मैं उनके कब्जे में रहा कहानी बहुत लंबी है मैं उस कहानी में नहीं जाऊँगा लेकिन वो उस छः घंटे में जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी आंखों के सामने से गुजर गए क्योंकि जब वो रात को जंगल में ले जाकर एक जगह उन्होंने शराब पीनी शुरू करी तो मुझे लगा क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत जो स्टडी करी थी मुझे लगा क्रिमिनल्स जो हैं जब किसी को मारते हैं तो शराब पीते हैं पहले तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी का अंत आ गया उस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं हो रही थी मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं मर रहा हूं मेरा क्या होगा मुझे अपने रोते बिलखते अपनों के चेहरे दिख रहे थे मुझे लग रहा था मैं नहीं रहा तो इनको कौन देखेगा इनकी चिंता कौन करेगा मुझे उनके चेहरे याद आ रहे थे लेकिन यह ईश्वर का आशीर्वाद था या शायद जैसे मैंने कहा कि आपको जिंदगी में संतुलित रहना बड़ा जरूरी है वो संतुलन था मैं उनके साथ लगातार बात करता रहा लगातार उन किडनैपर्स को मैं एंगेज करता रहा और एंगेज करता रहा और मालूम है छह घंटे बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो क्या कहा उन्होंने बोला श्रीवास्तव तू तो आदमी बड़ा अच्छा है गलत आदमी उठा लिया आज हमने और इतना ही नहीं जब उसने मुझे छोड़ा उसने मुझे छोड़ा उसने कहा देख हम तुझे छोड़ तो रहे हैं लेकिन अब तू सीधा पुलिस के पास जाएगा और रिपोर्ट कर देगा पुलिस आएगी हमें पकड़ने के लिए मैंने बोला नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं उस समय कह भी कह सकता था <laughs> तो मैंने बोला मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मुझे सेंटा क्लॉज उठा के ले थे। और उसके बाद उस किडनैपर का जो गैंग लीडर था वो आया और मुझसे गले मिल गया और उसने मुझे दो हजार रुपए दिए कह रहा जा घर चले जा <laughs> तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको एक संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है सफलताएं आएंगी असफलताएं आएंगी सफलताओं पे बहुत नाचना नहीं असफलताओं पे बहुत रोना नहीं ये जिंदगी का हिस्सा है हम जमीन अपनी पकड़े रहे जमीन पे खड़े रहे आगे बढ़ने के लिए लगातार निरंतर काम करते रहे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी कोई हमें रोक नहीं सकता लेकिन मैं मुझे शिकायत कई बार होती है यंग पीढ़ी से होती है जैसे मैंने कहा मुझे बीस साल हो गए मुझे कई बार लगता है आज की तारीख में लोग बीस महीने भी एक जगह नहीं टिकते तो मुझे लोग कहते हैं कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली क्या क्योंकि <laughs> तो ये आ, लोगों को गलत फहमी होती है आ, हम डीडी न्यूज़ में हैं तो ऐसा नहीं कि हम सरकारी नौकर हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं हम हमें हर साल परफॉर्म करना होता है जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे परफॉर्म परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है उसके आधार पर फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है हर साल हर साल ऐसा होता है और उसमें कई बार जो है पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके बावजूद अगर मैं खड़ा रहा यहाँ पर बना रहा तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव किया लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लोग आज 20 महीने में लोगों को लगता है कि और ऐसा नहीं है कि इस 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 लोग भले ही कहें कि मुझे शायद सरकारी कहीं किसी नौकरी से ऑफ़र ना हो लेकिन ऐसा नहीं है इन बीस सालों में बहुत बार बहुत बार ऐसे अवसर आए जब कहीं से ऑफ़र आया तो पता चला यहाँ से पाँच से दस हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ से पंद्रह हज़ार ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है और इसीलिए मैंने कभी पाँच हज़ार दस हज़ार के लिए नौकरी को बदलना नौकरी को छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा और आज मैं हूं कल एक बहुत बड़े पत्रकार एक और हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आप टेलीविज़न चैनल्स में देखते होंगे कल जब मैंने लिखा कि मुझे बीस साल हुए तो उन्होंने ट्वीट किया उस पर जवाब दिया लिखा उन्होंने लिखा यूं ही कोई अशोक श्रीवास्तव नहीं बनता आज अगर अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज़ एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं तो उसके लिए ज़िंदगी खपानी पड़ती है तो जिंदगी खपानी पड़ती है आपको संघर्ष करना पड़ता है और मैं सबसे यही कहता हूं कि कभी भी मेहनत से संघर्ष से आपके अंदर प्रतिभा नहीं हो कोई बात नहीं मैंने कहा मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूं मैं मानता हूं मैं बहुत बहुत साधारण मुझे मुझे बहुत बहुत साधारण स्टूडेंट था मुझे आधे से ज़्यादा चैप्टर मुझे समझ नहीं आते थे ऊपर से मैथ्स में मेरे ऊपर से निकल जाते थे आपको मैं बता दूँ आप हंस भी सकते हैं उस वक्त मैं खुशकस्मत हुई कभी ऐसा नहीं होता था मुझे मैथ्स जो है आज भी मैं गिनती करता हूँ तो उंगलियों पर करता हूँ मुझे मैथ्स की काउंटिंग करने में बड़ी मुश्किल होती है मैं जब सर्कल बनाता था स्कूल में तो मैं ऐसे सर्कल बना के फिर मैं इधर आ जाता था डेस्क के और फिर मैं सर्कल बनाता था मुझे सर्कल बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और मैथ्स में जब मैं टेंथ में था मेरे सौ में से इक्कीस नंबर आए थे मैं फेल हो गया था लेकिन उस वक्त सरकार का शुक्रिया कि उस वक्त एक सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते थे तो <laughs> तो, तो एक सब्जेक्ट में जब मैं मैथ्स से फेल हुआ और जब मैं और उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई मैंने कहा आज के बाद मैथ्स की किताबें बिल्कुल बंद और उसके बाद मैथ्स को मैंने जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया तो ऐसा भी हुआ तो मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ बहुत 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 साधारण सोच समझ का लेकिन मैंने जो अचीव किया है मैं मानता हूँ कि मैंने मेहनत से हासिल किया मैं आज भी आप यकीन नहीं करेंगे मेरे ऑफिस में लोग जानते हैं मेरे ऑफिस में सब लोग चले जाते हैं मैं आज भी रात को दो बजे ढाई बजे बैठ कर क्योंकि जब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखनी होती है आपको कुछ अच्छा लिखना होता है तो आपको बैठना पड़ता है तो मैं रात को दो बजे ढाई बजे तक बैठ के अपनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ अपने प्रोग्राम बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप में अगर आप किसी बड़े बाप के बेटे नहीं हैं क्योंकि आजकल बहुत लोगों को कामयाबी बड़े बाप का बेटा होने पे मिल जाती है बेटा या बेटी अगर आप बहुत बड़े बाप के बेटा बेटी नहीं है आपके पास पीछे कोई बहुत विरासत नहीं है आप आपके ऊपर किस्मत मेहरबान नहीं है आप बहुत प्रतिभाशाली नहीं है मैं कहता हूँ तब भी कंसिस्टेंसी से लगातार मेहनत करके आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं जहां पहुँच आपको गर्व होगा और आज मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है कि आज मैं आपके सामने हूं मुझे गर्व है कि मुझे डीडी न्यूज़ में 20 साल हुए और मैं आज भी अपनी इस यात्रा को जारी रखे हुए हूं और आप लोगों की यानी मेरे जो दर्शक हैं मेरे मेरे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं मेरे जो प्रशंसक हैं उनका प्यार मिलेगा तो मैं लगातार डटे रहूँगा और ऐसी मंजिल तो को ज़रूर हासिल करूँगा शायद जहाँ आज तक डी डी न्यूज़ में कम से कम कोई नहीं पहुँचा होगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार आपने मुझे सुना बहुत बहुत थैंक यू सो मच